नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बार पुनः हम आपके सम्मुख हैं एक नए मेहमान के साथ। आप जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ एक मुलाकात में अतिथि पधारते हैं। आज मीडिया जगत के क्षेत्र से एक बहुत ही नामचीन हस्ती, जो मीडिया की लगातार सेवा करते आ रहे हैं, समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और मीडिया जगत में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में जिनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, वे अतिथि आज हमारे साथ हैं। आप हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी, जो लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं और राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। आपने 2 दर्जन से भी ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। कई विश्वविद्यालयों ने आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है और आप वेद विज्ञान के मनीषी हैं। ऐसी महान विभूति आज हमारे साथ है, तो आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 2 चीज़ें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान की धरातल पे आते हैं तो थोड़ा सा वास्तविकता का भी सामना होता है। जैसे आपने कहा कि एक पत्नी के साथ जो एक संबंध है, कई ऐसे भी देखे गए हैं मनीषी जिन्होंने विवाह नहीं किया, जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, फिर भी उन्होंने अपने देवत्व को, दिव्यता को प्राप्त किया और समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो इन दोनों विषयों पर आपकी राय क्या है? फिर एक चीज़ तो प्रारब्ध है जी, मेरे गुरु जी मुझे कहते थे कि कोई भी गुरु है उसका पहला काम क्या है, वो शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को कभी नहीं ढूंढता। ध्यान रखे, गुरु ढूंढता है इस धरती पे कि मेरा शिष्य कौन बन सकता है जी, क्योंकि उसको ऋषि ऋण से मुक्त होना है, वो अपने ज्ञान को साथ ही ले जाना चाहता। नंबर एक जी। नंबर दो, वो शिष्य को वही उतना ही सिखाएगा जो उसका गुरु उसको दे रहा है। गुरु ने कहा ये नहीं सिखाना तो वो आगे नहीं दे सकता। शिष्य 10 बार पूछेगा कि मुझे ये बताओ बताओ, उन्होंने कहा नहीं मुझे आज्ञा नहीं है। अब देखिए फर्क कहाँ है, हम गुरु को समझते भी नहीं है ना, हम आचार्य देवो भव है। देवता सूक्ष्म होता है जी, नाक से दिखाई नहीं दिया करता, इसको हम समझे, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहा है जी जी। गुरु को ये पता है कि पिछले जन्म में कहाँ तक सीख के आया है, ए बी सी डी ई एफ, तो मुझे उसको जी से उसको सिखाना शुरू करना पड़ेगा। अगर वापस ए से शुरू करेगा तो एफ तक तो उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। अब आप, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कि वो वहाँ तक पिछले जन्म में सीख चुका, उसकी गुरु उसको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ तक सीखा हुआ है, उसकी आत्मा को पढ़ता है जी जी, उसके आगे सिखाना शुरू करता है, और फिर उसकी पात्रता क्या ग्रहण नहीं करेगी वो वहां से इशारा आ रहा है। गुरु अपना कुछ नहीं सिखा रहा है, अब इसको और समझ ले हम जी जी जी। माँ बाप जो हमको पैदा कर रहे हैं, हमको पैदा नहीं कर सकते माँ बाप, माँ बाप बीज के संग्राहक हैं, इसको हम यूं समझेंगे तो बीज का वहन कर रहे हैं और बीज का यूं वमन कर वपन करते हैं, लेकिन बीज को नहीं बना सकते माँ बाप, हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो इसी तरह गुरु ज्ञान को नहीं देता, वो अपने गुरु से लेकर देता है या परम गुरु से लेकर देता है, परमेष्टि गुरु से ले, वहाँ भी 7 पीढ़ियाँ है, जैसे पिताजी की 7 पीढ़ियाँ का अंश मेरे जीव में होता है, जेनेटिक्स भी मानती है अब तो जी। उसी तरह से गुरु की भी वो पीढ़ियाँ एक दूसरे को देती हुई आपको मिलती है। नहीं तो मेरे में दम है क्या कि मैं उन वेदों की एक लाइन को पढ़ लूँ, नहीं, वो मेरे गुरु की 7 पीढ़ियां मिलकर मुझे दे रही जी जी, वो अंश से मेरे को उसको सहारा लग रहा है। अपन इसको उस रूप में देखेंगे, आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अनर्थ हो गया। आज शिक्षा में पहली चीज तो ये, पता नहीं ईश्वर ने कहाँ से लोगों को समझाई है कि माँ बाप इस बात से बहुत खुश हैं कि मेरे घर में लड़के लड़की बराबर है जी, जो मैं लड़के को नहीं सिखा रहा हूँ वो मैं लड़की को भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उन माँ बापों को अपनी लड़की का शत्रु कहता हूँ, क्योंकि दोनों की जिंदगी तो अलग अलग है। बराबरी का अर्थ अवसर का है जी, सुविधाओं का है, सम्मान का है, यहाँ तक बराबरी समझ में आती है, पर लड़की को जिस घर में जाना है और जो जिंदगी जीनी है, मैं उनको कुछ सिखा के नहीं भेज रहा, किसके भरोसे भेज रहा हूँ उसको 75 साल और 25 के बाद 75 साल उस घर में काटने हैं, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में,
सास के रूप में, दादी जो भी है, और मैं उसको कुछ नहीं सिखा रही, क्यों मैं लड़के को भी नहीं सिखा रही। देखो तो सही आप क्या सोच है मेरा। जी 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 तो हमारी जो आज की माँ है जीरो है, पहली बात तो उसको प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जैविक संतान ही पैदा कर रही है। जैसे अब मैंने कहा कि भाई अगर वो शेर का जीव आया तो शेर का ही समाज में छोड़ दिया उसने, उसको ठीक करना नहीं आया, नंबर एक। जी नंबर दो, आप किसी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाओ 15 मिनट और वो देखो कि कैसे लड़के लड़के आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई दूसरे ग्रुप को देखो, तीसरे को देखो। 25 साल की लड़की के चेहरे पे आपको ये भाव नहीं दिखेगा कि वो अपनी उम्र की किसी लड़के से बात करके जा रही है। तो इसको समझना कभी। जी और मैं उस लड़के को समझ में आया कि यार मेरी उम्र की कोई सुंदर कन्या से मैं भी बात कर रहा हूँ, चेहरे पे भाव नहीं, जीरो, शून्य हो गए भाव। ये भाव शून्य कहाँ, इसका अर्थ क्या है? इस शिक्षा ने मेरा मैनहुड खत्म कर दिया, मेरा वुमनहुड खत्म कर दिया समाज से। तो अब आप जो सवाल, अब आप अपने सवाल को यहाँ लाइए, उन्हीं को तो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जी जी शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हो, पहले उनमें वो मैनहुड और वुमनहुड को वापस डालना पड़ेगा भाई। हम जैविक शरीर रह गए, जी जी तो ये तो पशु है, शरीर तो चेतना थोड़ी है अपनी खुद की, उतना ही तो शरीर रह गया मेरा। इस पढ़ाई ने ये किया सबसे बड़ा नुकसान, जी 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 मेरी आत्मा मर गई, आत्मा पढ़ाई में है ही नहीं, तो फिर पेट भरने के लिए मेरे को पढ़ाई करनी पड़ रही है, नौकरी के अलावा मुझे डिग्री से कुछ मिलना नहीं है। तो मैं माँ बाप की सारी पैसा ही समझ, माँ बाप की इनकम या उन माँ बाप का धन, अपनी जिंदगी के 25 साल पेट भरना सीखने के लिए खर्च कर रहा हूँ, इसका जवाब दो आप मेरे को। इसको हम मानव कहेंगे? इस श्रेष्ठ धरती का श्रेष्ठ प्राणी है जो अपना पेट भरने के लिए 25 साल लगा रहा है, कैसे भरेगा? और उसके बाद बाकी कुछ नहीं आता उसको, समाज में जीना नहीं आता, लोगों के साथ रहना नहीं आता, ईश्वर की तरफ उसमें आस्था नहीं रह जाती है, तो फिर मानवता कहाँ रही? बिल्कुल। तो ये सारी हिंसा जो आज दिख रही है वो सारे उसके कारण, वो मन को समझता ही नहीं है कि मैं मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जी रहा हूँ, ये भी नहीं समझ में आता उसको। जी, इच्छा कैसे पैदा होती है वो भी नहीं समझ में आता। तो आध्यात्म की ओर फिर कैसे लेकर के चला जाए लोगों को? एक तो जो बात आप कह रहे हैं कि हाँ बचपन से वो बीज डाला जाए, मातृशक्ति ये कार्य करे, क्या सिलेबस में भी ऐसी चीजें, कोठारी जी आपको लगती हैं कि तो ये भाई चीजें शामिल कर दी जाए, हाँ, ताकि वो संस्कार जो आप कह रहे हैं कि हाँ मानवता के बीज? वही रास्ता है, जी 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 एक ही रास्ता है। हमें सिलेबस, मैंने तो कहा कि महिलाओं के लिए 3-4 डिग्री कोर्स खोलिए, एक मत खोलिए सिलेबस के लिए। और जितना नुकसान हो गया मैं कहता हूँ उसकी धीरे धीरे भरपाई करने का प्रयास करते रहें जो हम कर रहे हैं जी। लेकिन ज्यादा प्रयास इस बात का करें कि आगे ऐसा नुकसान नहीं हो। आप यूँ समझिए, तो मैं आने वाली 2-3 पीढ़ियों को तो कम से मतलब 2 पीढ़ी के बाद जो आएगा ऐसा आएगा कि मुझे उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा, सारा टाइम सारी एनर्जी सारे धन मैं उसी पर लगाते थे। जी, तो मेरी जो नई एजुकेशन है, नई जो फसल होगी वो ईश्वर की आस्था लेके इंसान बनते हुए आएगी, तो खुद ही शांति के साथ आएगी। हम अभ्युदय के पीछे भाग रहे हैं, निश्रेष की कोई बात ही नहीं कर रहा। जी 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 हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो दिमाग पे जोर देता है। तो 4 चीज है मेरे पास, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। एजुकेशन में शरीर और बुद्धि का ऊपर जोर है, मन की बात नहीं, आत्मा की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको शरीर और बुद्धि तो बहुत भारी हो गए, आत्मा मन शून्य होते चले जाए। जी 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 तो आप असंतुलित हो गए, इम्बैलेंस पर्सनैलिटी पैदा कर रहे हैं हम। जी 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 वहां से चलो, बिल्कुल मेरी ये इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस रुक जाना चाहिए। जी 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 फिर मैं आगे के प्रयास इसके साथ जोड़ू। जी 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 जब तक ये सोशल इम्बैलेंस रहेगा मेरे प्रयास भी काम नहीं आएंगे। अब आप समझो मेरी बात को, यहाँ आपके उत्तर यहाँ है। हम जो काम कर रहे हैं वो सब इम्बैलेंस पर्सनैलिटीज पे कर रहे हैं जी, तो वो मेरे रिजल्ट कहाँ आएंगे? ये भी कार्य है मेरे पास पात्रता। आज मेरे को दादी जी कह रही थी जी कि मुझे नहीं पता है कि ब्रह्मा जी ने मेरे अंदर क्या देखा और क्यों मेरे ऊपर इतनी कृपा करी जी। मैंने कहा साहब पात्रता देखी,
वो कटोरी में इतना नहीं डाल सकते बाहर निकल जाएगा, गिलास में भी नहीं डाल सकते बाहर निकल जाएगा, बाल्टी भी छोटी है, जी तालाब चाहिए, सागर चाहिए, और आपके अंदर सागर देखा, जितना उन्होंने डाला आपने सबको बचा लिया और बांट दिया। आज आप जैसे सूरज की रोशनी से चंद्रमा चांदनी बांटता है जी नक्षत्रों को और सितारों को, जब सब चमक रहे हैं चांदनी से चमक रहे हैं, जी तो मैं कहा उस ब्रह्मा जी ने आपको जो प्रकाश दिया उससे देखिए सारी ब्रह्म कुमारियां चमक रही हैं, और इसी प्रकाश को वो पूरे देश को विश्व को बांट रही हैं। जी जी है जी इसको मन का हमको उस तरह से समझना पड़ेगा बात को, वो पात्रता होना जरूर, हमें समाज में पात्रता पैदा करनी है जी 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 समझ लें, तो चाहे वो बैलेंस के माध्यम से करें, जी माताओं को तैयार करें, बहुओं को तैयार, नई पीढ़ी को तैयार करें, ईश्वर में आस्था पैदा करने का रास्ता खोजें, जी लेकिन शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। जी फाउंडेशन पहली चीज है मेरे लिए, उस पे अगर ध्यान नींव जरूर अच्छी नहीं दिया है तो जाए आप मकान कितना भी बढ़िया लाओ, आर्किटेक्ट ला, कुछ भी करो, लेकिन नींव पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो नैतिक शिक्षा है कोठारी जी, आध्यात्मिक शिक्षा है, ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष सिलेबस तैयार करके अभी यूनिवर्सिटीज, कई यूनिवर्सिटीज के साथ कार्य कर रही हैं, जिनमें उन्होंने भी मूल्य शिक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को अपने साथ लेकर के जोड़ करके आगे बढ़ाना शुरू किया है। इसका आपने अध्ययन किया होगा, आपको क्या लगता है कि ये मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा क्या हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए बहुत आवश्यक हो गया है? बात तो सब यही कर रहे हैं, जी पर मूल्य शिक्षा पत्तों पे पानी छिड़कने जैसा काम कर रही है। हमारा सवाल तो है कि नींव मजबूत कैसे हो? नींव मजबूत हो, और आप उसमें तो रोज नए नए कीड़े लग रहे, पहले उसकी सब, हमारा सब काम छूट जाना चाहिए, पहले एक ध्यान वहीं जाए, कंसंट्रेट हमको एक ही पॉइंट पे करना चाहिए इस वक्त। जी 10 जगह हम करेंगे नहीं, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी तो रिजल्ट भी बिखर जाएंगे। हमारा तो सोच आज भी ये है कि हमें सारा जोर एक ही जगह लगाना चाहिए, रिजल्ट उसमें से निकलेंगे। जी 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 हाँ, जी ऐसा बिल्कुल। नहीं निकलेंगे, रिजल्ट रुझान, रुझान कैसे पैदा की जाए? आज जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि व्यक्ति पैसे के पीछे भागा जा रहा है, मान शान दौलत शोहरत ये चीजें आज ज्यादा मायने रख रही हैं, वो अध्यात्म जो एक बीज है जिस मूल की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं, उस मूल की ओर, उस अध्यात्म की ओर, उस जीवन मूल्य की ओर व्यक्ति का ध्यान कहीं ना कहीं कम है। रुझान कैसे पैदा की जाए ये भी एक बड़ा प्रश्न है। रुझान का एक ही कारण होता है मानव के जीवन में, उसका स्वार्थ कैसे सिद्ध होता है। जहाँ उसको लगता है कि यहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा वहाँ उसका रुझान हो जाएगा। प्रश्न हुआ क्या कि हमने शिक्षा के माध्यम से उसका रुझान पैसे से जोड़ दिया, भौतिकवादी बना दिया उसको, और पैसा केवल शरीर के काम आ सकता और कहीं काम ही नहीं आता, तो उसकी जिंदगी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ गई और वही उसको दिखाई दे रहा है। मेरा 3/4 हिस्सा जो अदृश्य है, मन बुद्धि और आत्मा, उसको दिखता ही नहीं, तो उसको उस रुझान में लाने के लिए मैंने यही कहा कि 2-वे सिस्टम हुआ, एक तरफ नई माँ को ट्रेन करेंगे, दूसरी तरफ पुरानी माँ को उस अभ्यास में वापस डालेंगे। अब आप जो आपने कहा कि नई जो शादी की परिभाषाएं बदली, उसका कारण ये शिक्षा है। वो जो मैं अभी आपसे कह रहा था समानता, जी जी समानता ने क्या किया, लड़का तो बिल्कुल नहीं बदला, अब आपको मैं छोटी सी इसको समझ लो, पढ़ लिया, नौकरी कर ली, व्यापारी बन गया, कुछ भी बन गया, लड़के ने अपने आप को कहीं नहीं बदला, वो लड़का ही है, लड़कियों ने अपने आप को बदल लिया, यो हम इस पढ़ाई ने बदलाया, इस इक्वलिटी की इस लड़ाई ने बदलाया, अब वो लड़कों की नकल करने लगे, लड़कों जैसे जीना उसका सपना बन गया। अपन एक ही उसी बात पे जिस पे आप काम कर रहे हैं आज, परिस्थिति को समझ लें, जब वो लड़की लड़कों के जैसे बनने लग गई, तो माँ बाप ने तो उसको लड़की बनाया ही नहीं, जो लड़की के गुण हैं, स्त्री के जो गुण हैं, माँ ने भी नहीं सिखाए। रात को 2 बजे पार्टियों में जा रही है, सब आ रही है जा रही है, तो लड़कों जैसे जी रही है ना, तो वो लड़का के जैसे जीना लग गई, उसके पास जो माँ के पास ममता दया करुणा वात्सल्य के जो भाव आते हैं, महिला के मिठास, उनको हम स्त्रैण गुण कहते हैं, ये चंद्रमा से आते हैं जी। मन चंद्रमा से बनता है और स्त्री का शरीर सौम्य है, चंद्रमा से गाइड हो रहा है, पुरुष का शरीर सूर्य से गाइड होता है, वो बुद्धि प्रदान होता है, बुद्धि सूर्य से आती है, इसीलिए उसमें गर्माहट होती है,
मन में ये माधुरी चंद्रमा से आता है, जी इसलिए महिलाएं शीतल लगती हैं। इसका कारण यही है, दो कारण नहीं है। तो आपकी बुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी, आदमी गर्म होते चला जाएगा। ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार माना जाता है, जी ये जी समझ जी लें आप। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि स्त्री के साथ शादी होने के बाद अब उसको चिटकाव पड़ना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब वो लड़की खुद लड़के जैसे जीने लगेगी, शादी के बाद वो घर में लड़के के साथ जा रही है, ठीक है, शुरुआत के 5-4 साल तो बहुत आराम से कटते हैं, क्योंकि उस वक्त ध्यान शरीर पर केंद्रित रहता है, बहुत लंबा नहीं चलता शरीर का ध्यान। जैसे जैसे वो कम होगा, वो बुद्धि प्रधान जीवन हो जाएगा उनका। जी मन को दोनों ही नहीं समझते, समझिए। मन को नहीं समझने का एक कारण तो ये हुआ, नई सोसाइटी में, पूरी वेस्टर्न सोसाइटी में, शादी के बाद दोनों एक नहीं होते। हमारे यहाँ शादी का अर्थ है तामे दोने समाए, दोनों मिलके एक हो जाएंगे। जी शरीर भले दो रहे, मन तो एक हो गया, आत्मा एक हो गई। जी नई जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो एक नहीं होती, तो शादी का हूं। इसीलिए शायद बिखराव वाली बात जो हम लोग कह रहे थे वो उसका आ जवाब आ जाती रहा है। हूं, उसी पे जी आ रहा हूं मैं। जी 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 तो वो एक तो हुई नहीं, बिखराव तो, बिखराव तो बिखर शुरुआत बिखराव भी थे, और दो जब तक एक नहीं होंगी बिखराव खत्म कैसे होगा। जी जी और शरीर की जरूरत खत्म, जो भी आकर्षण था वो भी खत्म हो गया, 2-4 साल में खत्म हो गया। जी अब लड़ाई रहेगी बुद्धि की, दोनों की पहचान की लड़ाई होगी वहां शुरू। लड़का कहता मैं अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं हूं, जी वो कहती मेरी अपनी भी पहचान है, मेरा अपना प्रोफेशन है, समाज में जो भी मैं कर रही हूँ वो भी मेरी पहचान है, मैं उसको भी अब नहीं छोड़ सकती, फिर तुमको छोड़ दूंगी। समझ ना अब इस जी बात को, जी जी वो इतना स्ट्रोंग हो गया है सेंटिमेंट, आदमी को छोड़ना उसको बुरा लग ही नहीं रहा है, उसको हम यूं समझे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में वो भावनात्मक जो गहराई आनी चाहिए वो थी नहीं आ वो पाई। नहीं आई, नहीं न तो जी माने दी न पढ़ाई ने दी, जी 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 ठीक है जी ना। तो वो फट झटके से मौका मिला, हम तैयार हैं, लड़के को तो कुछ भी जोर नहीं आता, उसको वो छोड़ के वापस अपने घर, अब वापस अपने घर नहीं जा पा रही, ध्यान रखना इस बात का, उसको बीच में अटकना पड़ेगा, जी उसके भाई भाभी भी नहीं रखेंगे उसको उम्र भर, ये दुनिया उसका उदाहरण सामने है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं रखे, तो वो ने अब इधर से जाई तो उधर की भी नहीं जा रही, जी अब बीच में आ गई वो। उस संघर्ष की कोई सीमा नहीं है, ये आपको मैं बताता। जिंदगी में आज सबसे अधिक कोई तकलीफ में तो महिला ही है, और वो पढ़ी लिखी महिला सबसे ज्यादा है, पूरी विकसित जो समाज सोसाइटी है, डेवलप्ड कंट्रीज की जो महिलाएं हैं जी सबसे ज्यादा दुखी है वो। हमारी अनपढ़ महिलाएं शायद उतनी दुखी नहीं होंगी, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, भूखी भी है ना, ठीक है तेरी मर्जी है यार, तो सो जाए, संतुष्ट वो है। भजन में चली जाएगी, सत्संग में जाके बैठ जाएगी, जी भूल जाएगी कि आज मैंने रोटी नहीं खाई, आप इसको समझना। हाँ लेकिन उस आस्था के सूत्र से वो ऐसी बंदी है कि वो उस जिंदगी का वो टाइम भी काट लेगी, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, ठीक है ना, जी ये वहां संभव नहीं है। तो वो जो टूट का कारण है, एक तो स्त्रीण हुड नहीं, वुमन हुड नहीं है, जो हमारे जो मातृत्व का भाव है, या देवी सर्वभूते जो मातृपेण संस्थिता, नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः, जी इतना दूर हम मातृभाव को देख रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल उसको देख रहे हैं हम उस गुठली की तरह से देख रहे हैं। कोई निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेंगे, वही देख लीजिए उस बात को, वो गुठली को जब जमीन में गाड़ रहे हैं, उसके बाद उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई ना, फ्रिज जी में रखेंगे तो पेड़ नहीं बनेगी, आप उसको प्रिजर्व तो कर सकते हो, पेड़ नहीं बनेगी। आज की जनरेशन गुठली बनने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए जीने को तैयार है, वो पेड़ बनने को भी तैयार नहीं, जी खुद जमीन में गड़ने को भी तैयार नहीं है, आप इसको वहां तक देखना। जी 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 और गुठली जब गड़ गई तो वो पेड़ बन गई, इतना तो बड़ा भारी भरकम, और आम भी आए,
जी रस आया, खुशबू आई, सब आया उसमें। जी तो गुठली तो कब की मर गई, कहाँ से आया? बिल्कुल वो गुठली उसमें काम कर रही है, पेड़ में, बिल्कुल है ना? ये हम गुठली के प्राण काम कर रहे हैं, हम यूं बोलते हैं। बड़ी और इस सूक्ष्मता प्राण है। का नाम है मातृ देवो भव। जी, मातृशक्ति पे तो सचमुच ये है, कितनी ये कितनी वो शक्ति गहनता है है। जो बिल्कुल, खुद मरने के बाद भी दूसरों को दे अगली रही है। अगली गुठली, अगला आम आने तक जिंदा काम करती है। जी, आज कोठारी जी, आप मातृशक्ति दादी जानकी जी से मिले, कैसा रहा आपका मिलन दादी जानकी जी नहीं, से, आज जो तो आप अपने बहुत उन्होंने। बहुत बढ़िया रहा। जी मैं तो पहली बार मिला हूँ, जी हालांकि इनको सुना मैंने हाँ मेलबर्न में, जब ये गई थी विश्व संसद में, तो मैं भी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में वहीं था, जी मेरी भी एक स्पीच थी, लेकिन मैंने वहाँ सुना था। जी इनके पहले मैं प्रकाशमणि जी से मिला था यहीं, पर इनसे आज मिला। ये भी मुझे लगा कि आध्यात्मिक अनुभव कहूँगा इसको मैं, और कुछ भी नहीं कहता। 5-7 मिनट तो शायद उनको अपने आप को ये गैरअप करने में लगे कि किस रूप में वो मेरे सामने आना चाह रही है। वो कुछ न कुछ सूंघ रही है, मेरे को टटोल रही है। इसको यूं समझिए बात को, कि इसमें पात्रता क्या है, मुझे इससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है। उसको मुझे लगा उसी में उन्होंने 5-7 मिनट लगाए होंगे, पर उनको ये भरोसा तो हुआ कि बात करने लायक। और जो फिर क्रम चला, तब उन्होंने, मुझे लगा कि शरीर के पार जा करके मेरे से सारी बात करी। जी कुल 40 मिनट का हमारा एक बात समझिए आदान प्रदान था। जी तो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि यार मेरा भाई, ब्रदर इज वंडरफुल, ठीक है, समझे? बार बार वो खुद कह रही थी कि आज मेरा भाई आया है, लाओ इसके लिए वो लाओ, इसके लिए क्लिप लाओ, नहीं इसके लिए तुम भागो यहाँ से, मेरे जी ला के इसके लिए ये अंगूठी ले गया और वो करो। वो सब चीजें एक जगह थी। फिर भी एक बात जरूर उन्होंने कही कि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि बाबा हमारे साथ, इसको भूलना नहीं है। जी कहीं भी जाओ इस प्रकाश को ले जाना है। ये बहुत अच्छा लगा कोठारी जी, आपसे बात करके इतनी गहनता, पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया, और लग रहा है कि अभी भी हम इस सुंदर आध्यात्म की गहन बातों को आपसे सुनते रहे, हमारे दर्शक भी बहुत लाभान्वित हुए हैं, और साथ ही इस पे गहनता से विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जो बात आपने कही है, नींव की बात कही है, पति की बात कही है, और सचमुच यदि ये जीवन में आ जाता है तो संपूर्ण समाज, सबका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप मैं यहाँ तो आए ये भी समझ रहा हूँ साहब, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। आप जो मानो कि मैंने अभी भी कहा था कि हमको कुछ ऐसे स्कॉलर दे दे, दो तीन, वो हमको दर्जनों में नहीं चाहिए, जी दो तीन चार भी हों जो हमारे इस वेदाध्ययन में, इंटरप्रिटेशन में हमारे साथ जुड़ जाएं, तो वो लाभ आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को और सभी ब्रह्म कुमारियों को के मार्फत आगे पहुंचाए। जी, बिल्कुल, आपने यदि बस ये शुभ इच्छा रखी है तो जरूर ये नहीं, कार्य भी हम जरूर और क्या, हमको क्या चाहिए, हमको भी किसी से कुछ नहीं होगा। लेना है। सबको, जी इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल तो हम तो अपने आप धन्य है भाई, बिल्कुल, आप धन्य जो बहुत सुंदर कार्य में लगे हुए हैं कोठारी जी, सभी की आपको दुआएं हैं, हम सबकी भी शुभकामनाएं हैं कि ये कार्य जल्द से जल्द जन जन तक पहुंचे और सबका मन ना। उज्जवल हो, मेरी भी स्वच्छ खूब हो। शुभकामनाएं साहब, आप आपके यहाँ पूरे आए। संगठन के लिए जी, खूब खूब मन से, और मेरे लिए कभी भी कहीं कोई काम आपको दिखे तो मैं आपके साथ तैयार भी लूंगा, जी, याद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, आपने सुंदर अनुभव रखे, अच्छा आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, कोठारी जी के साथ बहुत ही गहन और गूढ़ चर्चा रही है, आध्यात्म के विषय में भी, साथ ही नारी शक्ति के विषय में भी, कि कैसे एक नारी हमें गढ़ती है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, साथी के रूप में। सचमुच यदि देखा जाए तो आध्यात्म की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जीवन में एक निखार सा आना शुरू हो जाता है, या हमारी चिंतन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कई चीज़ को हम बहुत ही स्थूल रूप में, मोटे तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्मता है वो तब समझ में आती है जब हम अध्यात्म को जानना और समझना शुरू करते हैं, और जब ये सूक्ष्म तत्व हमारे जीवन का अंश बनने लगते हैं तब बाहर की स्थितियां, परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आज भी जो समाज की स्थिति हम देख रहे हैं या नारी की स्थिति हम जो देख रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन तभी आ पाएगा लगता है जब इस आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व को हम समझेंगे और अपने जीवन का
अंग बनाएंगे, तो क्यों ना इस सूक्ष्मता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब तक तो जीवन में हम जीते आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, जाना, समझा है, क्यों ना आध्यात्म तत्व को भी हम समझने की कोशिश करें, इससे अपने जीवन का श्रृंगार करें, तो सचमुच जीवन आलोकित हो जाएगा और न केवल हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा बल्कि समाज में भी हम संपूर्ण परिवर्तन को ला पाएंगे। तो हम सब मिलके अध्यात्म की ओर बढ़ें, जीवन को, संसार को श्रेष्ठ और सुखद बनाएं। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।